आज हम बनाएंगे पाव भाजी, जिसके लिए हमने आलू ले लिए हैं। ये आलू है, इसको हमने काट के धो के पानी में भिगा दिए हैं। ये सब्जियां हैं, इसमें हमने गाजर लिए हैं, फूल गोभी लिए हैं, फ्लावर लिए हैं। ये प्याज हम चॉप कर लेंगे, ये टमाटो हम चॉप कर लेंगे, ये भी इसमें जाएंगे। ये मटर ले लिए, ये हमारी फ्रोज़न मटर है। ये देखिए, ये मटर ले लिए हैं और ये हल्दी पाउडर लिए हैं, ये हल्दी पाउडर है और ये नमक है। हल्दी और नमक डाल दिए, हाफ टी स्पून हल्दी है और इसके अंदर नमक 1 टीस्पून है और इसमें फूल गोभी, गाजर और आलू, ये तीनों चीज़ को हम उबाल लेंगे। 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियाँ और इसे मतलब गले तक पका लेंगे अच्छे से। हाफ कप, अब हमारा गैस स्लो है, स्लो गैस ही रखा है। इसमें हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 टेबलस्पून हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टीस्पून हमारा ग्रीन चिली का पेस्ट है जो हमने आपको दिखाया था वीडियो में। ये हमारा गैस मीडियम स्लो है, मीडियम स्लो गैस पे ही रखे हमें अदरक लहसुन भूनना है 2-3 मिनट तक, इसका कच्चापन चला जाए। और अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट जो है, इसका हमने वीडियो ऑलरेडी डाला है यूट्यूब चैनल में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिए ग्रीन चिली और अदरक लहसुन का पेस्ट कैसा बनाया मैंने। और ये हमें ग्रीन रहता है वैसे ही ग्रीन चिली, और ये हमारा गल गया है अच्छे से। ये हमने 4 सीटी में गला लिए हैं, ये देखिए अच्छे से आलू और ये अच्छे से गल गई है, फ्लावर भी देखिए, फ्लावर आलू अच्छे से गल गया है। ये हमने प्याज चॉप कर लिए हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कौन सी क्वांटिटी कितनी है। ये प्याज है, ये हमने चॉप किए थे, उसमें से हमने इतनी प्याज निकाल डाल के खाने के लिए इतनी प्याज चॉप भी निकाल दिए हैं। देखिए मटर भी हमने 1 बॉल लिया है, ये मटर भी अच्छा हो गई है, इसकी ठंडक निकल गई है इसमें से अभी। देखिए मीडियम स्लो गैस पे रखा था हमने, अदरक लहसुन में अभी खुशबू आ रही है और इसका कच्चापन भी अभी चला गया है, इतना कच्चा नहीं, थोड़ा ब्राउन होने आया है। इसी स्टेज पे हम ये प्याज जो चॉप किए थे ये डाल देंगे, इसको भी मीडियम स्लो पे रखेंगे, फास्ट नहीं करेंगे गैस, नहीं तो अदरक लहसुन जल जाएगा और कड़वी स्मेल आ जाएगी इसमें। इसको हम इतना पकाएंगे कि प्याज का कच्चापन चला जाए। ये हमने ले लिए सूखे मसाले जो पाव भाजी में जाएंगे, ये है कश्मीरी लाल मिर्ची, ये 2 टेबलस्पून भर के हैं। ये हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है, ये धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून भर के हैं। ये नमक है 1 टीस्पून भर के और थोड़ा सा लिया है हमने, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। ये गरम पाव भाजी मसाला है, ये पाव भाजी मसाला भी हमने 2 टेबलस्पून भर के लिया है, आगे देखेंगे अगर हमको और लगता है तो हम यूज़ करेंगे, नहीं तो इतने ही मसाले हम डालेंगे। टमाटो भी ये चॉप करके ले लिया है हमने, ये हमारे 1 किलो टमाटो है। मीडियम स्लो गैस ही है, हमने गैस फास्ट नहीं किया है, मीडियम स्लो गैस पे हम बना रहे हैं हमारा। और अभी हम ये जो मटर हमने भिगोए थे ये भी साथों साथ डाल के इसी में भून लेंगे, इसमें ये मटर भूनते भूनते गल जाती है, हमको अलग से मटर गलाने की या सब्जियों के साथ गलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसमें ही अच्छी गलती है और अच्छी अच्छी लगती है ना, तो अच्छा लगता है। अगर आप उसमें कुकर में गलाएंगे ना तो ये पूरा ये हो जाता है, मैश हो जाती है पूरी। अभी तक हमारा गैस मीडियम स्लो पे ही है और उसमें ही हम मटर डाल के भून रहे हैं। अब शिमला मिर्ची डाल देते हैं, शिमला मिर्ची हम दिखाना भूल गए थे, ये 1/2 किलो शिमला मिर्ची है जिसे धो के हमने चॉप कर लिया है।
गैस थोड़ा सा फास्ट कर देंगे क्योंकि ये सब्जियां अपना पानी छोड़ेंगी, और अदरक लहसुन भी हमारा अच्छे से भून गया है तो भी हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। अभी हमें शिमला मिर्ची और मटर गलने आए हैं थोड़े थोड़े, अब टमाटर डालकर भी गलाएंगे। साथ हम ये सूखे मसाले डाल देंगे जो हमने निकाले थे। ये डाल के भी अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको, क्योंकि ये सूखे मसाले डालने के बाद थोड़ा पानी डालना पड़ता है नहीं तो नीचे ये लग जाते। इंशाल्लाह कितना अच्छा है। अभी चलिए थोड़ा पानी डाल के इसमें हम भून लेते हैं। देखिए हमने इसमें पानी डाल दिया है, पानी डाल के इसको पकने छोड़ दिया। माशाल्लाह कलर देखिए कितना रेड है एकदम। अभी तक हम इसमें हमने अमूल बटर नहीं डाला है, वो हम एकदम एंड में डालेंगे। हमने पाव भाजी के स्मैशर से इसको स्मैश किया है मसाले को। अभी इसमें पाव भाजी मसाला भी नहीं डाला है, अब ये पाव भाजी मसाला इसमें डाल देते हैं। साथ में इसमें मुट्ठी भर के हरा धनिया डालते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, सब्जियां भी गल गई है। अब इसके अंदर ये सब्जियां डाल देते हैं और सब्जी डाल के इसको मिला देंगे, मैश कर देंगे, पूरा आयोजन कर देंगे। सब्जियां हमने डाल के अच्छे से मसाले में मिला दिए हैं। अब ये सब्जी को हम स्मैशर से मैश कर देते हैं। देखिए स्मैशर से हमने अच्छे से सब्जी को घोट दिया, हमारी सब्जी अच्छे से गल गई थी। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम ताकि सब्जी नीचे से लगे नहीं, और इसमें थोड़ा हरा धनिया और डालेंगे। अब इसको मिला देंगे। इसका तेल ऊपर आए तक अब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हमारी सब्जी मस्त बन रही है। थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आ रहा है उसमें, बन गया है 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची, ये डाल देंगे इसमें, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, हरा धनिया चॉप करके जो रखा है रफली, और इसको बटर को, क्योंकि अभी तक हमारी पाव भाजी बन गई लेकिन हमने अमूल बटर नहीं डाले, तो अभी इसको मेल्ट करके ऊपर से डालेंगे। देखिए हमने ओवन में मस्का पिघला लिए हैं, इस तरह से हो गया है। अभी इसको मिक्स करते हैं। देखिए अब ये मस्का हम पाव भाजी में डाल देंगे। देखिए इसमें भी हमारा ऑयल ऊपर आ रहा है, ये मस्का भी डाल देते हैं जो हमने मेल्ट किया है, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बिस्मिल्लाह, बड़ा स्पून जो होता है कप वाला,
और हमारा गैस स्लो ही है, हमने फास्ट नहीं रखा है। इसको मिला रही है, हमारी पाव भाजी रेडी हो गई है। अभी हम पाव फ्राई कर देते हैं, फिर हम आप डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी सब्ज़ी हो गई है, हमारा गैस तवा भी गर्म हुआ है, वो जो हमने पिघलाए थे बटर, इसमें हम अपने पाव फ्राई कर लेंगे।